हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपको प्रिंटेड कपड़े में से डिजाइनर सलवार कटिंग करना बताएंगे, किस तरीके से हम प्रिंटेड कपड़े में से डिजाइनर सलवार कटिंग करते हैं। तो जिसके लिए हमने 3 मीटर कपड़ा लिया है, हम सबसे पहले आपको कपड़े को नाप के बताएंगे कि हमारा ये 3 मीटर कपड़ा है। तो देखिए, इस तरीके से खोलेंगे, 40 का मीटर होता है। तो हम यहाँ से पकड़ेंगे इसको, तो देखिए ये हो गया 1 मीटर। ये हो गया 2 मीटर। और ये हो गया आपके सामने 3 मीटर। 3 मीटर में से थोड़ा बहुत वो एक्स्ट्रा कटिंग करके दे देते हैं, जैसे कान वगैरह होता है कपड़े में, तो इस तरीके से वो थोड़ा बहुत कपड़ा एक्स्ट्रा दे देते हैं। जैसे इसमें से अभी छटेगा तो थोड़ा बहुत इसमें से निकलेगा। तो ये मैंने कपड़ा ले लिया है। अब सबसे पहले हम इस कपड़े में से अपने पार्ट निकालेंगे, फिर उसके बाद बेल्ट की और कलियों की कटिंग होगी, क्योंकि डिजाइनर सलवार में से हमेशा पहले पार्ट निकलते हैं, क्योंकि इसमें पार्ट का ही मेन रोल है, पार्ट से ही डिजाइन बनेगा। तो पहले तो हम इस कपड़े को बराबर कर लेते हैं, जहाँ से भी हमारा कपड़ा छोटा बड़ा आपको दिख रहा है वहां से इसको हम अच्छे से बराबर कर लेते हैं। तो देखिए, डिजाइनर सलवार कट करने के लिए सबसे पहले आपको पार्ट की कटिंग करनी है। तो इसमें हमें पहले एक पार्ट की कटिंग करेंगे, फिर दूसरे पार्ट की कटिंग करेंगे, क्योंकि इसमें हमें 90 इंच या 80 इंच लंबाई चाहिए। तो देखते हैं कि हमारा लंबाई में कितना अर्ज है। तो इसका 44 इंच का अर्ज है, तो हम इसी तरीके से 2 पार्ट कट कर लेंगे। और ये चौड़ाई में अगर आप ज़्यादा बड़ी मोहरी पहनती हैं तो आप 16 इंच कट करें, लेकिन मैं ये 14.5 इंच कट कर रही हूँ, क्योंकि मेरी 6 इंच की मोहरी तैयार होगी, उसमें हम एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि अभी हमारा ये एक लेयर में कपड़ा है, यानी कि जब हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे तो मोहरी हमारी ऐसे आएगी। तो इस तरीके से आप देख के अपने हिसाब से कटिंग करें। तो अब मैं इस कपड़े को 2 फोल्ड को कटिंग कर लेती हूँ। तो इसमें से हमारे एक पैर के पार्ट निकलेंगे। पहले हम यहाँ से कटिंग कर लेते हैं, इस साइड से। अब देखिए, अब हम जो बंद वाली साइड है यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए, एक पैर का निकल गया, क्योंकि इसमें प्लेटें आएंगी तो ये हमारा कपड़ा यहाँ ऐसे ज्वाइंट होगा, तो फिर इसकी लंबाई खूब सारी बढ़ जाएगी, फिर हमको इस तरीके से इसमें प्लेटें डालनी है। यानी कि हमें जितने हमारे पार्ट होते हैं, जितने हम पार्ट लेते हैं, और ये 40 इंच की सलवार बन के तैयार होगी, तो इस तरीके से इसकी प्लेटें आएंगी। तो ये एक पैर का हो गया। अब हम फिर से कपड़े को, जो हमारा ये कपड़ा है उसको हम फिर से ऐसे ही खोलेंगे और फिर से ऐसे ही फोल्ड कर देंगे हम, जैसे हमने अभी फोल्ड किया था 2 लेयर में, यानी कि एक पैर का हो गया। अब दूसरे पैर का कट करेंगे। इसमें 2 पार्ट लगते हैं एक पैर में, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। तो थोड़ा सा और बढ़ाएंगे इसको, और इस सलवार को हम आपको 3 मीटर कपड़े में से, 2.5 मीटर में से भी बन जाती है, लेकिन 2.5 मीटर में से थोड़ी प्लेटें कम आती हैं। तो इस हिसाब से अब हम यहाँ से भी इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए, जो हमारा अब ये कपड़ा है इसकी हम ऐसे सीधी कटिंग कर देंगे। तो देखिए, एक पैर के ये हो गए, तो इनको भी हमको ऐसे ही ज्वाइंट करना होगा इस तरीके से। और ज्वाइंट करने के बाद अब ये हो गए एक पैर के, और ये हो गए दूसरे पैर के, ठीक है। ये पार्ट कटिंग हो गए आपके। अब उसके बाद हमारा जितना भी कपड़ा बचा है हमारे पास, इसमें से सबसे पहले हम बेल्ट कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से फोल्ड करेंगे कपड़े को, और बेल्ट की चौड़ाई हम 22 इंच रखेंगे और लंबाई हम 8 इंच रखेंगे। 6 इंच की बेल्ट तैयार रखेंगे, उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फोल्डिंग के लिए, जो कि डोरी के लिए फोल्ड होता है। पहले अच्छे से कपड़े को बराबर कर लेंगे और फिर यहाँ से बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। जैसे हमने बताया आपको, 6 इंच की बेल्ट तैयार होगी, 8 इंच कपड़ा लेंगे हम यहाँ से, और यहाँ से इस तरीके से निशान लगा देंगे 8-8 इंच पे बेल्ट के लिए। तो आपको भी सेम ऐसे ही करना है। अब इसको हम यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करके और इसको कटिंग कर देंगे। अब
देखिए बेल्ट कटिंग कर लिए, अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो आप इस 8 इंच की जगह 9 या 10 इंच तक भी बेल्ट कटिंग कर सकती हैं। अब देखिए अब हमारे पास ये इतना कपड़ा बचा है, ये देखिए इतना कपड़ा बचा है कटिंग कर सब कुछ करने के बाद। अब इसमें से हम कलियां निकालेंगे, तो इसको हम पहले इस तरीके से 2 फोल्ड में करेंगे ऐसे, और कलियां हमको इसमें छोटी ही चाहिए क्योंकि इसमें प्लेटों का जो आकार है, पार्ट की चौड़ाई है वो काफी जगह में आती है, तो इस वजह से हम प्लेटें कम जगह में डालेंगे, तो इसलिए हमारा कपड़ा इतना बचा है। अब यहाँ से हम पार्ट की उसकी आसन की चौड़ाई लेंगे, 16 इंच का आसन बन के तैयार होगा, तो हम यहाँ से 9 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ से भी हम 9 इंच पे लगाएंगे। और उसके बाद इन दोनों पॉइंटों को हम आपस में इस तरीके से मिलाएंगे, देखिए, और यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। सलवार तो इसकी ऐसे ही कटेगी जैसे हम अपनी सिंपल सलवार को कटिंग करते हैं, और जैसे यहाँ से 1.5 इंच कपड़ा रखते हैं, अगर आप देखिए रखना चाहती हैं तो यहाँ से ऐसे आप पहले ऐसे 1.5 इंच पे निशान लगा के फिर उसके बाद ले जाएं इसको, लेकिन मैं ये नहीं रखती हूँ, मैं मोहरी छोटी पहनती हूँ तो इस वजह से इस चौड़ाई को मैं नहीं रखती हूँ। अगर आप रखना चाहती हैं तो यहाँ से 1.5 इंच पे लगाएं फिर लेके जाएं उसको, फिर उधर से भी 1.5 इंच पे लगाएं। देखिए इसमें तरीका बता देती हूँ आपको, इस तरीके से, और फिर ये दोनों पॉइंट इस तरीके से मिलाए हो जाते हैं इनमें, जिनसे इसकी कली की चौड़ाई बढ़ जाती है। तो अब यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे, लेकिन हम सीधी कटिंग करेंगे इसकी। देखिए आसन की साइड से जॉइंट है एक तो ये, और दूसरा ये कली की साइड से जॉइंट है, तो कपड़े को अच्छे से बराबर करके और जो कली वाली साइड है इसको अच्छे से सेट करके उसके बाद कटिंग कर लेंगे। और आप ये मत देखना कि आप कली की लंबाई कितनी देखनी है, आपकी कली की लंबाई पार्ट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, भले ही पार्ट से कम हो जाए। तो देखिए हमारे पास इसकी लंबाई आ रही है 35 इंच, जितनी हम अपने पार्ट की रखते हैं उतनी हमारे पास इसकी लंबाई बिल्कुल ठीक आई है। अगर मान लीजिए आपकी पार्ट की इसकी कली की लंबाई कम आ रही है, 32 आ रही है, 33 आ रही है, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, आप इसको थोड़ा ऊंचे से भी ज्वाइंट कर सकती हैं। अगर जितनी भी आपकी कली निकली आप निकाल लीजिए, इस चीज़ को मत सोचिए कि पार्ट के बराबर नहीं आई। अब हमें क्या करना है, अब हम आपको प्लेटें भरना बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलाई वैसे हम आपको इसकी अगली वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी हम आपको इसकी प्लेटें भरना बता रहे हैं, फिर उसके बाद बताएंगे कि इसे बेल्ट में कैसे ज्वाइंट करना है। पहले जो हमारे ये 44-44 इंच के दो पार्ट हैं, इनको हम यहाँ से सिलाई लगा के सिल लेंगे दोनों को। अब देखिए मैंने कपड़े को ज्वाइंट कर लिया है बीच से, ये वाला हिस्सा। अब हमारा सेंटर तो खुद ही हुआ पड़ा है क्योंकि हमारा यहाँ पे ज्वाइंट आया है, फिर भी हम चौक से निशान लगा लेंगे इस तरीके से, डार्क निशान लगा लेंगे पूरा सीधा यहाँ तक, ये सेंटर हो गया इसका। अब उसके बाद जो हमारी कली वाली साइड है उसका भी हम सेंटर करेंगे इस तरीके से यहाँ से, तो इसके ऊपर भी हम इस तरीके से निशान लगाएंगे दोनों साइड को, इस साइड भी और इसकी दूसरी साइड भी ऐसे। अब हमें क्या करना है, पिन लेनी है, अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप सुई से भी कच्चा कर सकती हैं। अब हम इसको प्लेट को उठाएंगे और उल्टी साइड को इस तरीके से नीचे की साइड घूम करके प्लेट डाल देंगे, ये देखिए। या तो आप इस तरीके से डाल सकती हैं कि आप कली को भी साथ ले सकती हैं ऐसे, लेकिन इसमें थोड़ी दिक्कत होगी, तो आप पहले डाल लीजिए फिर सेंटर नाप लीजिए, तो मैं इसी तरीके से आपको बताऊंगी। तो देखिए ऊपर से हम 1 इंच कपड़ा छोड़ देंगे क्योंकि हमारी सिलाई होगी, हम बीच में नापते चलेंगे कि हमारा ये सेंटर और वो सेंटर ठीक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। और जैसे हम इस साइड लगाते हुए चल रहे हैं ऐसे हम यहाँ भी साथ के साथ लगाते हुए चलेंगे, क्योंकि एक साथ घूमों को पकड़ते हैं तो ये अच्छे से बैठ जाती हैं, तो दोनों को एक साथ ही पकड़ के हमें ऐसे लगाना है। फिर से देखिए ऐसे ही करना है हमको। अब देखिए मैंने ये प्लेटें पूरी डाली हैं, अब आप देख सकती हैं कि ये मेरी बिल्कुल इसके बराबर ही आई हैं, जब सिलाई लगेगी तो ये कली के बराबर ही होंगे। और देखिए जैसे हमारी यहाँ से मोहरी बनेगी नीचे बॉटम से,
तो बॉटम से आपको 4.5 इंच कपड़ा, 4.5 इंच कपड़ा इधर से और 4.5 कपड़ा इधर से छोड़ना है, यानी कि कपड़ा हमारा एकदम से बराबर हो, ऐसा ना हो कि इधर से कम और इधर से ज्यादा। प्लेटें देख लीजिए आप, तो हमने बिल्कुल बराबर भरी हैं और उसके बाद ये कली में ज्वाइंट हो जाएंगी और सेंटर इसका ये रहा, ये सेंटर हो गया, आधे की इधर आ गई, आधे की उधर आ गई। अब हम क्या करेंगे, जैसे एक पैर का तैयार हो गया, अब जो दूसरे पैर का तैयार होगा उसको भी सेम ऐसे ही करना है, तो उसके लिए पहले हम ये वाला साइड इधर हटा देंगे। इस तरीके से पिन लगी हुई है, अब ये कुछ नहीं होगा, अब सिर्फ सिलाई करनी बाकी है। अब देखिए ये दूसरा पैर का हिस्सा उठा लेंगे और अपनी दूसरी कली को ले लेंगे इस तरीके से, और इसको भी हमें सेम सेंटर करना है, उसका तो हमारा सेंटर हुआ पड़ा है, तो इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ से। अब देखिए मेरे दोनों पार्ट तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल हमारे एकदम बराबर आए हैं इस तरीके से। ये देखिए जब इनमें सिलाई लगेगी तो इस तरीके से, और जो हमारी कली वाली साइड है वो भी मेरी एकदम बराबर आई है। देखिए मैं आपको नाप के दिखाती हूँ इस तरीके से, दोनों ये भी बराबर हैं। अब उसके बाद हम इनको तो हटाएंगे, वैसे हम इसकी सिलाई आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमारे जो ये आसन वाली साइड है इनको सिलना होगा इस तरीके से, और फिर जो हमारे पार्ट वाली साइड है वो साइड में सिलेंगे। तो इसकी वीडियो हम आपको अगले दिन बताएंगे, यानी कि इसकी सिलाई की। तो ये आज तक के लिए बस इतना ही। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा, अगर पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।